नमस्ते आप सबको, सामने वाले रो वालों को भी। जी सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ, आपको देख के और अच्छा हो गया। शुक्रिया सर। तो हमने देखा आप स्विमिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। एक्टर्स बड़ा प्रेप करते हैं, कहते हैं हम सब क्या कहते हैं मेथड एक्टिंग में भी उतर जाते हैं, तो हम जानना चाह रहे हैं इसमें कितनी मेथड एक्टिंग करी है आपने? मैंने इस फिल्म के लिए जब मुझे मेरे डायरेक्टर अक्षय ने कहानी सुनाई तो मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। अच्छा। तो मैंने इसके लिए लास्ट ईयर स्विमिंग सीखी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिकॉज जो कैरेक्टर की उपलब्धि है वो एक्टर की उपलब्धि हो जाए तो फिर और मज़ा आता है। एंड दिस सर्टनली इज़ वन ऑफ, मैंने 540 फिल्में की हैं और मुझे लगता है कि पहली 5 फिल्मों में से इसका नंबर आएगा क्योंकि मैंने फिल्म देख ली है। क्या? और इंस्पायरिंग है। हम अपनी लिस्ट जब बनाते हैं कि हमारी हमने क्या क्या किया लाइफ में, तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको देख के वो गर्व महसूस कर सके। आई थिंक दिस फिल्म विल इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग, बहुत एंटरटेनिंग कैरेक्टर है। माशाल्लाह, मुबारक आपको। आप ऐसा कह रहे हैं आपकी बेस्ट फिल्मों में से, तो हम लोग सब देखना चाहेंगे। एक बात जो मैं पिछले दिनों के इंटरव्यू में मनोज भाई से बात कर रहा था, वाजपेयी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि साहब आपको शूटिंग के दौरान जो है अगर खाने का सीन है तो बार बार खाना पड़ता है। इसमें तो आप दौड़ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और 10 चीज़ें साइकिल चलानी पड़ेगी आपको, तो ये तो शूटिंग के दौरान भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने 10 फिल्मों की शूटिंग की है। दौड़ना, साइकिलिंग करना, फिजिकल था, द होल थिंग वॉज वेरी फिजिकल। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे खाने के सीन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते करने एज एन एक्टर, क्योंकि वो खाना आता तो फ्रेश है फिर उसके बाद 11 टेक 12 टेक तो बासी हो जाता है, मतलब पुराना हो जाता है। और मैं बचपन से पुराना खाना नहीं खाता था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू राजा के घर पैदा नहीं हुआ है, हमारे घर पैदा हुआ है, जो मिलता है वो खा लिया कर। बट इसका जॉय अलग है। फिल्म इतनी फिल्म आप पैशनेट हो फिल्म के लिए तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती है। टफ था, आई ब्रोक माई शोल्डर इस फिल्म की शूटिंग के दौरान। मेरा शोल्डर की हड्डी टूट गई और 4 महीने हमको 3 दिन की शूटिंग रह गई थी। बट जुनून है ना, मुंबई में बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों लोग आते हैं कामयाब होने के लिए, खासकर हमारे प्रोफेशन में, और उसमें से 0.001% कामयाब होते हैं, उनमें से मैं एक। तो भगवान का शुक्रिया अदा ही करना चाहिए कि जो मिल रहा है उसके बारे में कोई कंप्लेन ना करो। मैंने बहुत साल पहले सीख लिया था कि कंप्लेन नहीं करना चाहिए, जो आ रहा है उसको करते रहना चाहिए शिद्दत से। और अब तो मैं अपना काम बहुत मुश्किल बना रहा हूँ बिकॉज इतने सारे लोग आ गए हैं, तो हाउ डू यू स्टे नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशंस ऑफ योरसेल्फ। माशाल्लाह से जब कोई 4 दशकों से ज़्यादा अपने काम की जो है अहमियत को समझे, तभी शायद उसी एथिक की वजह से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर अनुपम सर। थैंक यू सो मच। तब प्लीज़ फोटोज करवा लीजिए आप।